हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वीडियो सीरीज में अब तक मैंने कवर किया हुआ है, हमें सर्कुलर क्यू क्यों पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो वर्क कैसे करता है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। उस ऑपरेशंस में से मैंने इंसर्शन ऑपरेशन एग्जांपल के साथ ऑलरेडी सिक्स्थ पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद सेवेंथ पार्ट में डिलीशन ऑपरेशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के साथ, और अभी ये दोनों ऑपरेशन हम कंबाइनली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये इस करंट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको मेरी दरख्वास्त है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो देखते हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हम सर्कुलर क्यू पे एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये बेसिक फीचर्स पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सर्कुलर क्यू, अगर ये सर्कुलर है फिर भी लीनियर क्यू जैसे ही बिहेव करता है। जैसे कि लीनियर क्यू में फ्रंट और रियर पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपको इंसर्शन और डिलीशन में हेल्प करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रेयर और फ्रंट पॉइंटर्स होते हैं। बेसिकली रेयर जो होता है वो आपको इंसर्शन और एनक्यू ऑपरेशन के लिए मदद करता है, और जो फ्रंट पॉइंटर होता है वो आपको डिलीशन और डीक्यू ऑपरेशन के लिए मदद करता है। इनिशियली जो होता है वो हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी होता है, जस्ट इमेज ऑफ योर लीनियर क्यू। एंड आपको ये भी पता है कि अगर आपको क्यू एम्प्टी दिखाना है तो आपको रेयर एंड फ्रंट पॉइंटर दोनों को माइनस वन पोजिशन पे इनिशियलाइज कर देना है। अगर वो दोनों माइनस वन पे है इसका मतलब है हमारा क्यू एम्प्टी है। तो ये जो दोनों ऑपरेशंस है, पहला ऑपरेशन है इंसर्शन, तो पहले हम इंसर्शन का एल्गोरिदम देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क होता है, और उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आपको सबसे पहले चेक करना है इंसर्शन एल्गोरिदम में कि हमारा क्यू फुल है या नहीं, क्योंकि अगर हमारी क्यू में स्पेस अवेलेबल है ही नहीं तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें कैसे चेक करना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि फ्रंट एंड रेयर अगर दोनों इमीडिएट पोजीशन पे है, जैसे कि दोनों साइड बाय साइड है, उसमें भी हमारा रेयर एक पोजीशन आगे है फ्रंट से, तो हम ये इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा क्यू फुल है। और अगर ये फुल है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर लेना है, सर्कुलर क्यू इज फुल, और हमें वहां से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि वैसे भी हम क्यू में जगह नहीं है तो हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलो एक बार मान लेते हैं कि हमारा क्यू फुल नहीं है, तो हमें आगे क्या करना है? तो हमें स्टेप टू पे जाना है, और वहां पे हमें चेक करना है क्या हम जो नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट है और इनिशियली हमारा क्यू अगर फुल नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी है, तो हमारा जो फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंटर होते हैं वो दोनों हमें अपडेट करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा फ्रंट अगर माइनस वन पे है तो इसका मतलब है हमारा क्यू एम्प्टी है, और जो कि एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, हमें दोनों जो रेयर और फ्रंट पॉइंटर है वो हमें इनिशियलाइज करना है जीरो पे, क्योंकि जीरो पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट लोकेट करेगा हमारी सर्कुलर क्यू में, और वो करने के बाद हमें वो एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन के लिए हमें क्या करना है, वो रेयर पोजीशन पे, एरे के रेयर पोजीशन पे हमें न्यू एलिमेंट हमें असाइन कर देना है। पर अगर मान लो कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं, पर अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप थ्री पे जाना है, और हमारा स्टेप थ्री जो है वो है सर्कुलर इंक्रीमेंट, जहां कहां पे भी हमारा रेयर पॉइंटर है, क्योंकि
इंसर्शन जो होता है वो रेयर पॉइंटर पे होता है, तो जहाँ कहाँ पे भी हमारा रेयर पॉइंटर है उसको हमें सर्क्युलरली इंक्रीमेंट करना है। तो अभी सर्क्युलर इंक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने पहले वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा रेयर पॉइंटर जो है वो एंड पोजिशन पे है, लास्ट पोजिशन पे है, एंड ऑफ द क्यू पे है, तो हमें वो जीरो पोजीशन पे रीइनिशियलाइज करना है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, ये हमारा रेगुलर लिनियर क्यू नहीं है, इसलिए इसे हमें सर्कुलर क्यू में इंक्रीमेंट सर्कुलरली ही करना होता है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम मॉड्यूलो डिवीजन का हेल्प लेने वाले हैं, जो कि आपको मदद करेगा सर्क्युलरली इंक्रीमेंट करने के लिए, मॉड्यूलो डिवीजन बाय 10, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसिडर किया है कि हमारी क्यू का साइज 10 है। यहाँ पे अगर आप सर्कुलर क्यू का साइज जो भी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्कुलर क्यू का साइज 5 है, तो यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन बाय 5 आपको लेना है। अगर आपकी क्यू का साइज 50 है, तो यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन बाय 50 आपको यहाँ पे लेना है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो मॉड्यूलो डिवीजन है वो आपको क्यू की साइज से डिवाइड करना है, तो ये आपको मदद करेगा सर्कुलर इंक्रीमेंट करने के लिए। और रेयर को सर्कुलरली इंक्रीमेंट करने के बाद हमें फिर से इंसर्शन ऑपरेशन वहां पे कर लेना है, क्योंकि एरे की रेयर पोजीशन पे हमें न्यू एलिमेंट असाइन कर लेना है। तो अभी हम चलो देखते हैं कि हम सर्कुलर क्यू पे एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे सिचुएशन ली है कि ऑलरेडी एक एलिमेंट आपकी क्यू में अवेलेबल है, ओके? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्यू तो फुल है नहीं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये हमारा जो इंसर्ट करने वाला है वो फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं है, इसलिए हमें स्टेप 3 पे जाना है और हमें रेयर को सर्क्युलरली इंक्रीमेंट कर लेना है। अभी यहाँ पे मेरा फ्रंट जो सॉरी रेयर जो है वो 4 पे है, तो 4 + 1 इसका मतलब हो गया 5, 5 मॉड्यूलो डिवीजन 10, रिजल्ट विल बी 5, सो जो रेयर है वो अपडेट होगा 5 से। तो यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि रेयर मैंने यहाँ से हटा के 5 पे ला लिए लेके आई हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अगर मुझे और कोई एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फुल है कि नहीं चेक करना है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, उसके बाद सर्कुलरली इंक्रीमेंट करके हमें रेयर अपडेट करना है और वो सिप्स कर इनिशियलाइज कर लेना है, और स्टेप 4 एग्जीक्यूट करना है वो कि इंसर्ट कर लेगा नया एलिमेंट। सो इसी तरह से हमें कोई भी अगर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो इसी तरह से हमें ये स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं, सबसे पहले फुल है या नहीं, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं, उसके बाद सर्कुलरली इंक्रीमेंट करना है रेयर और एलिमेंट इंसर्ट कर लेना है। सो इसी तरह से हम नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक एक एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ पोजिशन 9 पे, जो कि मेरा सर्कुलर क्यू का लास्ट पोजीशन है, क्योंकि हमारी क्यू की साइज जो है वो 10 है, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 पोजीशन लास्ट पोजीशन है। तो मुझे अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि मैं और एलिमेंट अगर मुझे सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करने हैं तो मैं वो कर सकती हूँ या नहीं। तो मेरा आंसर है यस, मैं उसमें इंसर्ट कर सकती हूँ, लेकिन कैसे, तो चलो वही देख लेते हैं कि मेनली ये जो सर्कुलर इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला है वो हमें कैसे मदद करेगा सर्कुलरली इंक्रीमेंट करने के लिए। अभी आपको जो रेयर है वो पोजीशन 9 पे है, तो 9 + 1 हो गया 10, 10 मॉड्यूलो डिवीजन 10, रिमाइंडर क्या हो गया आपका डिवीजन तो हो गया 1, बट यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन हमें रिजल्ट क्या देगा, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको रिजल्ट देगा 0। तो हमारा रेयर में वैल्यू असाइन हो गया 0, और इसे ही हम सर्कुलर इंक्रीमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो रेयर 0 पे इनिशियलाइज कर लेगा। सबसे पहले हमें चेक करना है क्यू फुल है या नहीं, क्यू तो फुल है नहीं, उसके बाद हमें चेक करना है फर्स्ट एलिमेंट, वो भी नहीं है, सर्कुलरली इंक्रीमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया था तो रेयर हो गया 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेयर को 0 पे इनिशियलाइज हमने कर लिया है, और उसके बाद हमें फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट करना है, वो है हमारा इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट। तो वो हो गया इंसर्शन 0
पोजीशन पे नए एलिमेंट का। तो इस प्रकार हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं सेकेंड वाला ऑपरेशन जो होता है डिलीशन ऑपरेशन। सबसे पहले हम एल्गोरिदम एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है। जैसे कि हमें इंसर्शन के ऑपरेशन से पहले फुल कंडीशन चेक करना है, वैसे ही डिलीशन से पहले हमें एम्प्टी कंडीशन चेक करना है, क्योंकि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो हम उसमें से कोई डिलीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें कंडीशन क्या चेक करनी होगी, तो हमें चेक करना है कि अगर हमारा फ्रंट माइनस वन पोजिशन पे है तो हमारा क्यू फुल है, तो हमें सॉरी हमारा क्यू एम्प्टी है तो हमें क्यू एम्प्टी डिस्प्ले करके यहाँ से एग्जिट हो जाना है। और अभी मान लो कि आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें स्टेप टू पे जाना है। स्टेप टू पे जाके फिर से वही चेक करना है कि जो कोई एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं वो सिंगल एलिमेंट है या नहीं। सोच लो अगर वो सिंगल एलिमेंट है तो वो डिलीट करने के बाद आपका क्यू एम्प्टी होने वाला है, तो आपको उसी तरह से कंडीशंस अपडेट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये सिंगल एलिमेंट है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हो कि रेयर और फ्रंट अगर दोनों एक ही पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सर्कुलर क्यू में सिंगल एलिमेंट है। और अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, क्यू एम्प्टी दिखाने के लिए हमें दोनों जो फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर है वो री इनिशियलाइज करने हैं माइनस वन पे, और उसके साथ साथ हमें जो फ्रंट पे एलिमेंट है उसको रिटर्न कर लेना है, और वो रिटर्न करने के बाद उसको हमें डिस्प्ले कर लेना है। तो अभी ये हो गया सिंगल एलिमेंट अगर है तो उस पर क्या हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी मान लो कि सिंगल एलिमेंट नहीं है, मोर देन वन एलिमेंट है, तो हमें स्टेप थ्री पे जाना है। तो हमें सर्कुलर इंक्रीमेंट करना है, पर अभी हमें कौन सा पॉइंटर सर्कुलर इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि इंसर्शन में हमने रेयर पॉइंटर सर्कुलरली इंक्रीमेंट किया था, और यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो डिलीशन ऑपरेशन फ्रंट एंड पे होता है, इसलिए हमें यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर हमें सर्कुलरली इंक्रीमेंट करना है। और उसके बाद जो कोई एलिमेंट है फ्रंट पॉइंटर पे फ्रंट एंड पे, उसे हमें डिलीट कर लेना है। तो डिलीटेड एलिमेंट करके जो वेरिएबल होगा आपका, उस पे हमें अरे का फ्रंट पोजीशन वाला एलिमेंट असाइन कर लेना है, जो कि आपको मदद करेगा इंडिकेट करने के लिए कि ये वाला आइटम हमने डिलीट कर लिया है। तो ये हो गया आपका डिलीशन वाला एल्गोरिदम। और अभी देखते हैं कि ये हम विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है जो कि हमें वन बाय वन डिलीट करने हैं। तो आपका फ्रंट है 8th पोजीशन पे, रेयर है 0th पोजीशन पे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं, वो नहीं है इसलिए हमें चेक करना है जो कोई एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं वो सिंगल एलिमेंट है या नहीं, वो भी सिंगल एलिमेंट नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड रेयर दोनों अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे और फ्रंट को सर्कुलरली इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रंट सर्कुलरली इंक्रीमेंट, और ये हो गया आपका एलिमेंट डिलीट। और उसके बाद फिर से अगर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एम्प्टी है या नहीं। सर्कुलर क्यू एम्प्टी नहीं है, सिंगल एलिमेंट भी नहीं है, सर्कुलरली फ्रंट को इंक्रीमेंट करके हमें फ्रंट को अपडेट कर लेना है, और इसका मतलब है कि हमने ये वो वाला एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर लिया है। अभी फिर से मुझे यह एलिमेंट डिलीट करना है। यह एलिमेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना है एम्प्टी है या नहीं। अभी एम्प्टी नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है या नहीं, हाँ ये सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट और रेयर दोनों भी जीरोथ पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये सिंगल एलिमेंट है। और अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो हमें क्या अपडेट करना है, दोनों फ्रंट और रेयर जो दोनों है वो माइनस वन पे इंडिकेट करने हैं, और उसके बाद हमें ये डिलीट वाला डिलीशन ऑफ द एलिमेंट वाला स्टेप परफॉर्म करना है। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि हमारा जो क्यू है वो अभी एम्प्टी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फिर से कंडीशन चेक किया है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। क्यू एम्प्टी है तो अभी यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना है, क्योंकि कोई एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है जिसको हम डिलीट कर सकते हैं।
तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि सर्क्यूलर क्यू के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जो है सर्क्यूलर क्यू, वो लीनियर क्यू का जो ड्रॉबैक है वो ओवरकम कर लेता है। अभी वो क्या ड्रॉबैक है, जैसे कि आपने आपको पता होगा कि लीनियर क्यू में अगर हम एक एक एलिमेंट डिलीट करते हैं तो हम उसका स्पेस रीयूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा क्यू पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर क्यू में वो सिचुएशन आता नहीं है, हम सर्कुलरली इंक्रीमेंट करके वो स्पेस रीयूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वो स्पेस रीयूटिलाइज करना, इसका मतलब कि जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, वो इफिशियंटली हम यूज करते हैं सर्क्यूलर क्यू में, जो कि लीनियर क्यू में हम नहीं कर पाते हैं। तो मेनली इन दोनों रीजंस के लिए हमारा सर्क्यूलर क्यू है वो मोर इफिशियंट है देन दैट ऑफ द लीनियर क्यू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों चीजें, जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो कि सर्कुलर क्यू पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आए हैं। और आपको अगर बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और उससे आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, समझा, पढ़ा, सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी दे रही हूँ, उसके साथ साथ पूरा सर्कुलर क्यू का प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।